वेलकम टू माय चैनल दैट्स पालक वाला, मैं आकांक्षा। आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है जिसमें मैं डॉट इन की विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको इस टाइप के आउट ऑफ बॉक्स में मिलती है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सी एकदम अलग तरह की इन पैकेजिंग है। वैसे इस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ दो वीडियो में पिछली बात कर चुकी हूँ, क्योंकि ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मुझे लगा इसका डेडिकेटेड एक सेपरेट रिव्यू भी मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इस प्रोडक्ट को मैंने खुद खरीदा था और आज मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस सनस्क्रीन को मैंने पूरे एक महीने यूज किया है, अभी इसमें बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा है। ये जो प्रोडक्ट है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है बहुत ही कॉम्पैक्ट से पैकेजिंग में मिलता है, ट्रेवल फ्रेंडली है, इस पर आपको सारी सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट सब कुछ। और इसकी खास बात मुझे ये भी लगी कि इसका जो आउटर बॉक्स है उस पर भी आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती है जो कि आपको यूजुअल पैकेजिंग पे और यूजुअल जो आपकी सनस्क्रीन वगैरह होती है उस पर नहीं मिलती। जैसे कि ये जो सनस्क्रीन है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम से डील करने में आपकी हेल्प करेगा, तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको ये सनस्क्रीन लेनी चाहिए या नहीं। तो इस सनस्क्रीन की अच्छी बात यह है कि इसमें आपको विटामिन सी एंड विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का एक ब्लेंड मिल रहा है, उसके साथ साथ भी इसमें बहुत सारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं। ये जो सनस्क्रीन है वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, इसमें आपको किसी भी टाइप का हार्मफुल केमिकल नहीं मिलता है, जैसे कि आपने इसके आउटर बॉक्स पे भी देखा होगा। जो सनस्क्रीन है वो आपको हाई प्रोटेक्शन के साथ मिलती है, इसमें आपको एसपीएफ 50 एंड PA++ का प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये एक सर्टिफाइड सनस्क्रीन है और इसके साथ साथ आपकी स्किन को ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि ये जो सनस्क्रीन है ओवरऑल पैकेज है UVA UVB एंड ब्लू लाइट से आपकी स्किन को प्रिवेंट करने के लिए। उसके साथ साथ मुझे जो इसकी सबसे खास बात लगी वो है इसकी कंसिस्टेंसी। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मुझे लगता है कि ऐसी कंसिस्टेंसी वाली सनस्क्रीन आपने शायद ही कोई यूज की होगी। आप देख रहे हैं ये जो सनस्क्रीन है आपको रनिंग कंसिस्टेंसी में मिलती है, तो इसी वजह से बहुत इजीली मतलब सेकेंड्स में आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है। और जैसे कि आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं और इसका ब्लेंड होने का तरीका देख रहे हैं, ये जो सनस्क्रीन है वो आपके चेहरे पे किसी भी टाइप का वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, तुरंत आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है। और एक महीना यूज करने के बाद मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आपकी स्किन पे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन की या अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है या फिर आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत फाइन लाइंस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो इस सारी की सारी चीजों में ये सनस्क्रीन आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि इसमें आपको तीन तरह के विटामिन सी का ब्लेंड मिल रहा है। इसमें आपको तीन तरह के विटामिन सी का फायदा मिलेगा, इसमें आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिल रहा है, इसमें आपको काकादु प्लम मिल रहा है, उसके साथ साथ इसमें आपको ब्लड ऑरेंज भी मिल रहा है। तो तीन तरह के विटामिन सी डेरिवेटिव्स इस सनस्क्रीन में यूज किए गए, इसके साथ साथ इसमें आपको विटामिन ई भी मिल रहा है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, उसके साथ साथ आपकी स्किन को नरिश भी करता है। ये जो सनस्क्रीन है काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज के साथ आपको मिलती है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, तो समर्स में यूज करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको भी ना थोड़ी बहुत डलनेस की प्रॉब्लम है, टैनिंग की प्रॉब्लम है या फिर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस है हल्की फुल्की, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी कंपोजिशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इस सनस्क्रीन में आपको चार केमिकल और एक फिजिकल फिल्टर मिल रहा है, और ये जो सारे सारे फिल्टर्स हैं ये इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में एकदम पहली लाइन में ही पहली और दूसरी लाइन में डाले गए हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये जो सनस्क्रीन है वो आपको अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। तो इस सनस्क्रीन को मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी, और आप चाहें तो मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं इस सनस्क्रीन को परचेस करने के टाइम। ये जो वीडियो है अगेन मैं बोल रही हूँ स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन डॉट इन की के साथ मैंने एक बार काम किया था जिसकी वजह से ये कूपन कोड मेरे पास है, तो इसलिए जब भी मैं डॉट इन की कोई भी वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि आप चाहें तो 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं। तो जो भी सारी सारी बातें मैंने अभी तक इस सनस्क्रीन के बारे में बताई वो सारी सारी अच्छी बातें थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है मुझे सनस्क्रीन से, नॉट ओनली दिस वन बट इन जनरल। तो जो भी ब्रांड सनस्क्रीन बना रही हैं, और स्पेशली अभी सनस्क्रीन में भी आपको कई तरह के एक्टिव्स मिलते हैं जैसे कि विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, नियासिनमाइड हो गया, तो ये सारे के सारे एक्टिव्स की परसेंटेज भी अगर सनस्क्रीन पे हमें मेंशन मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो एक शिकायत मुझे बस यही है कि अगर विटामिन सी के डेरिवेटिव्स के साथ साथ कि कौन से तरीके के डेरिवेटिव्स इसमें डाले गए हैं, अगर विटामिन सी की कॉन्सेंट्रेशन भी इस सनस्क्रीन पे मेंशन होती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। बट हाँ, इस सनस्क्रीन को मैं अपने विटामिन सी सीरम के साथ यूज़ करती थी, अभी तो मैंने इसे यूज़ करना थोड़ा बंद कर दिया क्योंकि अभी मैं कुछ नई सनस्क्रीन्स ट्राई आउट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसे विटामिन सी सीरम के साथ यूज़ करती थी मॉर्निंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने ये ऑब्जर्व किया पर्सनली कि इस सनस्क्रीन को यूज़ करने के बाद मैंने एक अलग से ब्राइटनेस अपने चेहरे पर ऑब्जर्व की है। ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और आपके किसी भी जेल टाइप के फेस वॉश से बहुत आराम से निकल जाती है। हाँ, ये जो सनस्क्रीन है वो वाटर प्रूफ नहीं है, स्वेट प्रूफ नहीं है, अगर आपको बहुत सारा पसीना पसीना आता है तो ये निकल जाएगी, आपको इसे ऑब्वियसली रीअप्लाई करना होगा। तो गाइज़,
मुझे उम्मीद है आज का ये जो पर्सनल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया इस प्रोडक्ट के बारे में वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।